तो गाइस आज हम खेल रहे हैं WWE 2K20 और ये मेरी पहली लाइव कैम के साथ वीडियो है जिसमें मैं 2K टावर खेलने वाला हूँ शॉन माइकल के साथ। तो ये हमारा 6 मैचेस का वो होगा पूरी जर्नी। तो लेट्स बिगिन टू इट। देखते हैं पहले पहले बंदे हमें सैमी जेन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, डरते हैं क्या? ला लो सैमी जेन को। फिर मेरे ख्याल से शॉन माइकल से भी लड़ना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो करेक्टर चूज कर लेते हैं। मेरे ख्याल से करेक्टर कौन सा लेना चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना अगले अगले वो मैच के लिए। तो पहला मैच जो कि मैं अपनी तरफ से चूज कर रहा हूँ करेक्टर, बट अगले मैच के लिए आप अपनी तरफ से जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि नीचे कि कौन सा करेक्टर लूँ अगले मैच के लिए। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ रेमी स्टूडियो ले लेते हैं। रेमी स्टूडियो आराम से झेल लेगा सैमी जेन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। तो गाइज हियर इट गो। WWE हमारा हुए का आ गया रेम स्टूडियो। ओ माय गॉड, फुल फैन फॉलोइंग है भाई। सब सबने ट्विटर पे फॉलो कर रखा है यार, सबको पता था इधर यही आएगा रेम स्टूडियो। ओ भाई साहब, ओ भाई बम पटाके नहीं फूट रहे, क्या बात होगी भाई। एक्शन तो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे बम पटाके फूटेंगे, बट बम पटाके फूटे नहीं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भाई तेरी एंट्री बहुत बेकार है, मेरे को देखनी नहीं है, बात ही खत्म। आओ गाइस, तो रेम स्टूडियो सैमी जेन को आराम से झेल लेगा, मतलब देख लेगा। फुल कॉन्फिडेंस है मेरे को, ये कर लेगा। अरे हट बे, लात मारेगा इजी भाई। और बाय द वे मैं लेजेंड डिफिकल्टी पे खेल रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि इजी डिफिकल्टी पे खेल रहा है लौंडा। 19 सेकंड्स में लौंडे को मारना है, 19 सेकंड में हमें इसको हराना है, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है। ओ भाई फुल भाई, मेरा मैं पूरा फॉर्म में हो लगता है, आज मेरा ही दिन है। यहाँ पे हल्का सा टॉट मारेंगे रेम स्टूडियो हमारे। रेम स्टूडियो थोड़ा सा बैक लुक लेने जा रहे हैं, वहाँ पे एक लड़की खूबसूरत खड़ी है उधर देख रहे हैं रेम स्टूडियो। फाइनली सैमी ज़ेन वापस आ गया और यहाँ पे मारा और काउंटर ले लिया भाई। टैग रायन ने काउंटर ले लिया, निकलो बे जल्दी। You would think, Michael, that Shane McMahon ऐसे कैसे? leaping off Hell in a Cell with Kevin Owens as his target would be the landmark moment we were talking about. पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल, मेरे को पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल। भाई ये तो पिटते पिटते नीचे ढेर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे। फुल पिन। ओ भाई डॉज। अरे 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 अरे, स्टैमिना नहीं है मेरे पास ज्यादा, नहीं स्टैमिना तो रिवर्सल कम है मेरे पास। गाइस रिवर्सल चार्ज करने के लिए भी टाइम चाहिए हमें। A sickening thud as he lands hard. Showing off his amazing vertical leap there. What does Sami Zayn have to do at this point to stay in this match? He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to. अपनी सिग्नेचर आ गई है तो बिना किसी देरी के तेरा भाई सिग्नेचर मारेगा। He's going to want to make some changes if he wants to stay in it. बोल भाई 619, here it is go. और यहाँ पे सैमी का पूरा गेम खत्म, पूरा गेम खत्म सैमी का। अब फिनिशर भी आएगा। ए मारो बे। ओ भाई डॉज कर लिया। सैमी को पता था कि रेम स्टूडियो का क्या मूव होने वाला है अगला, उनको पता था, उनको फुल कॉन्फिडेंस था कि वो करने क्या वाले हैं। और यहाँ पे एक बेहतरीन मिन जो कि डॉज कर लिया। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से फिनिशर का मूव आने वाला है, कोई भी चारा नहीं होने वाला सैमी के पास। और यस फिनिशर, मून स्लॉट स्लाइड स्लैम ऐसी कुछ है ना। ओ भाई पेट में लगी है बिल्कुल, अंतड़िया गई अंदर। अब सुबह 6 बजे की ट्रेन से बाहर निकलेंगी अंतड़िया। और इजी विन, बहुत ही बढ़िया। रेमो स्टूडियो ने दिखा दिया कि भाई हुया का कोई जवाब नहीं, और 619 इज द बेस्ट फिनिशर। गाइस जैसा कि हमको पता था
कि इस मैच में प्रेम स्टूडियो ही जीतेगा बिकॉज मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नेवर मैं आगे बढ़ते हैं फुल चौड़ में भाई साहब, फुल वाइब है भाई, भाई भाई जवाब ही नहीं था किसी के पास। वहां से भाई तो हमने 3 स्टार बचाया, बट मेरे को अगले मैच में मेरे को 5 स्टार चाहिए ही चाहिए। हमने 3.5 पहुंचा दिया, बट अगले मैच में 4.5 की पूरी उम्मीद है, 4.5 या 4.5 से ऊपर, मतलब मैक्सिमम कोशिश तो 5 की रहेगी। तो क्या होगा, तो सैमी ज़ेन तो चला गया। अच्छा रेमी स्टूडियो के साथ ही खेलना पड़ेंगे मैचेस, ऐसा है क्या? रेमी स्टूडियो के साथ ही मैचेस खेलने पड़ेंगे कि कैन आई चेंज माय सुपरस्टार? नहीं, हमें रेमी स्टूडियो के साथ ही खेलने पड़ेंगे। अरे अरे अरे, तो लास्ट में मेरे ख्याल से रेमी स्टूडियो और शॉन मैकल की लड़ाई होगी। तो जहां तक मुझे याद है पिछली बारी तब रेमी स्टूडियो और शॉन मैकल की लड़ाई हुई थी तो रेमी स्टूडियो जीता था। तो द उसो से बंदे आ रहे हैं, द उसो से एक बंदा आ रहा है, इसका नाम क्या देख लेते हैं अभी, करते हैं क्या? तो गिरा गिरा के पेलूंगा भाई। अरे देख तो लो है कौन, उसोस में दो भाई है, इस भाई का नाम क्या है? ये फुल वाइब है, वाइब है जे उसो। अरे देख लेंगे, जे उसो तो नकली आदमी है, इसका थोड़ा बड़ा भाई ज्यादा मारता है। वैसे बड़ा भाई यही है कि छोटा भाई है ये, गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना ये भी मेरे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जा भाई, ऐसे कैसे फुल भाई, फुल पटकी वटकी। हेलो चीटिंग मत करना। हाँ भाई डर्टी पिन वगैरह मत कर देना भाई। रेमी स्टूडियो फुल चौड़ में, उनको पता है कि ये मैच उन्हीं के नाम है। ओ यहाँ पे एक, ओ नाइस मूव, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल वैरायटी मूव था ये। ओ घुटने पे मारा है, काटा मारा है, बट नाकामयाबी हासिल मिलेगी। यहाँ पे रेमो ने पकड़ लिया है, रेमो जा रहे हैं बगल के कोने में, पूरी पूरी उनके पास दिमाग में कुछ अलग ही सीन चल रहा है उनके, मुझे पता है। और यहाँ से ऊपर फेंकने की कोशिश होगी, यस कर लेंगे भरोसा है पूरा। और सिग्नेचर बन चुका है रेमी स्टूडियो का बहुत ही बेहतरीन के साथ। यहाँ पे एक 619 मारने की कोशिश मिलेगी, यस लगेगी लगेगी, फुल लगेगी भाई, फुल लगेगी। ओ भाई पार्ट से मुंह पे, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फिनिशर लगेगा, बट नहीं, जे उसो उठ चुका है, रेंगते रेंगते रोप पकड़ लिया, पता नहीं क्या करेगा अभी। खैर कोई बात नहीं, और यहाँ पे उल्टे पैर कूदे, यहाँ पे थोड़ी सी जो जंप थी वो थोड़ी मार्जिन नहीं लगा, वो मिस कैलकुलेट हो गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेफरी ऐसे देख रहा है कि उसका चाचा गिरा है नीचे, अबे साइड हो जा भाई, लगभग जाएगी फिर बोलेगा। ओ भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पिटाई हो रही है, 18 मिनट स्टिल हमारे पास है, 18 मिनट है, डरने की कोई बात नहीं है, फुल चांसेस मिलेगा। देखो अभी 4 स्टार चमकाने, 4 का टारगेट है मेरा। यहाँ पे हल्की सी पिन होगी, यस वैरायटी मूव, बहुत ही बढ़िया, बट किक कर दिया जे उसो ने। और यहाँ पे टॉच कर लिया जे उसो ने मारा, बट यहाँ पे रेमो ने बोला अरे चल पहली फुर्सत में निकलो, यहाँ पे इजी भगा के एक अच्छा मूव मारेंगे मेरे ख्याल से। यस भाई जे उसो को पता नहीं चल रहा था उसके साथ क्या हो रहा था, वो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और अचानक से अपने दोनों पैरों में गर्दन लेके घुमा दिया। यहाँ पे एक और 619 लग सकती है, यस लगेगी। ओ भाई भगा दे कुत्तों की तरह, मुंह पे पट से मुंह पे। यहाँ पे दो फिनिशर आ चुकी है हमारे रेमी स्टूडियो के पास, और जे उसो के पास भी एक फिनिशर है, तो हम चांस नहीं लेना चाहते, एक फिनिशर मार ही देते हैं। ओ यहाँ पे ओ रिवर्सर ले लिया, मुंह पे मारी है लात, सुपर किक पड़ी है यहाँ पे भाई। जे उसो ने जो रिवर्सर लिया है, अपनी जो फिनिशर का पूरा फायदा उठाया। यहाँ पे कमबैक मिल चुका है, मेरे ख्याल से कम बैक मारेंगे, बट करते हैं क्या? रेमी स्टूडियो ऐसा थोड़े से मदहोश है भाई, कहाँ जा रहा है? ओ, तो वहाँ पे वो टॉन्ट मार रहे हैं, यहाँ पे रेमी स्टूडियो टॉन्ट मार रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लालच दे रहे हैं, बट रेमी स्टूडियो बिल्कुल लालच में नहीं आएंगे, उनको पता है। और यहाँ पे जे उसो मेरे ख्याल से टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई, नलायक आदमी भाई, फुल चीटिंग कर रहे हैं, फुल चीटिंग कर रहे हैं।
यहाँ पे जेउस वापस रिंग के अंदर गए, यहाँ पे रेमन मारी और यहाँ पे थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन और बाहर फेंका यहाँ पे रेमो स्टूडियो ने और हाँ यस बाहर ही फेंकेंगे फुल पावर बम मारी है। मेरे ख्याल से अब नहीं उठेगा, लौंडा अब घायल हो गया अपना। अरे यहाँ पे रेमी स्टूडियो चाहते हैं कि टेबल के ऊपर गिराना, बट टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा, अंदर भेजते हैं फिर। I just can't get over the physicality. यहाँ पे हमारे स्टार ऑलमोस्ट चमक चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से हो जाएगा, मेरे ख्याल से फिनिश अप लग के हमारे स्टार पूरे हो जाएंगे। ओ यहाँ पे एक और रिवर्सर जेउस का बहुत ही बेहतरीन, और इसके साथ इनके पास सिग्नेचर मूव आ गया और मारेंगे मेरे ख्याल से सिग्नेचर मूव, बट नहीं रेमी स्टूडियो कह रहे हैं चलो चटको। और यहाँ पे कंधे में उठा लिया और यहाँ पे एक समर स्लैम नहीं मारी, क्या मारते हैं जिसका नाम क्या होता है, और यहाँ पे सिग्नेचर मूव, ओहो यहाँ पे एक सबमिशन का ट्राई करेंगे मेरे ख्याल से, फुल ट्राई फुल हाइप, बट नहीं रेमी स्टूडियो कह रहे हैं ये सब मैं चौथी में करता था, चटको चटको। यहाँ पे फुल मूव पे मारी है डीडीडी, बहुत ही बढ़िया, कोई जवाब ही नहीं था यहाँ पे चारों तरफ। अब यहाँ पे रिवर्सल ले लिया जेउस ने, जेउस के पास एक फिनिशर है, हमें थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। और सुपर किक मारी है भाई, यहाँ पे पिन होने के चांसेस है, बट नहीं रेमी स्टूडियो अभी फुल भाई सब फुल हेल्थ में है, कह रहे नहीं इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। कम बैक कर लिया रेमो ने यहाँ पे, यहाँ पे नीचे पटका है, यहाँ पे उठा के कम बैक मारने की हम कोशिश तो करेंगे, पे कम बैक क्यों नहीं लग रहा, टीटीडी मारी है यहाँ पे और पिन करेंगे, कम बैक तो लगा नहीं, हक दिया मैंने, कोई बात नहीं गाइस माफ कर देना। और भाई यहाँ पे टू से पिन फॉल होने से बच गए, अब मेरे ख्याल से रेमी स्टूडियो को पता है उनके पास कोई चांस नहीं है, यही अच्छा मौका है, एक बाहर का एक करतब दिखा दो, बहुत ही बढ़िया। अब इसी के साथ सिग्नेचर आ गई है और 14 मिनट हमारे पे, अभी भी 14 मिनट हमारे पास है। अरे भाई अंदर फेंक दिया, भाई जेस उठ रहा है, रेमो स्टूडियो उठ रहा है, मेरे पास सिग्नेचर है और पड़ गई है, यस 619, एक और अटेम्प्ट हुई है और मेरे साथ पूरा कनेक्ट हो गई, और यह मुंह पे भाई सर फाड़ दिया पूरा। पड़ गई भाई, चार स्टार हो गए, अपने का चार का टारगेट था ना, टारगेट था अपने का टारगेट, पिन होगा यहाँ पे भाई, पूरा खून निकाल दिया, अब तो जेउस के पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का। यस इजी भाई, हमें पता था भाई जीते को कुछ फुल पैसे वसूल मेरे, तो भाई फुल चौड़ में गेमिंग स्टूडियो 110% क्या बोलते हैं उसमें है। This was a much needed win. तो उसमें क्या बोलते हैं गाइस इसको? जोश में। उनको पता है ये टावर वो जीतेंगे और जॉन माइकल के साथ एंड में जॉन माइकल को धूल भी चटाएंगे जैसे कि पहले चटाया था। अब पहले सन कौन सा था याद नहीं आ रहा, बट चटाया तो था। यहाँ पे हमें चार स्टार चमकते हुए भाई साहब फुल हाइप। अगर इस वीडियो पे 25 लाइक्स हो गए तो अगली वीडियो पे 3 मैचेस और करेंगे रेमी स्टूडियो का, अदरवाइज दूसरा सुपरस्टार के साथ टावर करेंगे जो कि तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो मेक श्योर 25 लाइक फॉर रेमी स्टूडियो टावर, और अगर आप चाहते हो कि सुपरस्टार चेंज हो तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि सुपरस्टार चेंज हो, या फिर लाइक 25 लाइक्स होंगे तो अगली वीडियो रेमी स्टूडियो के साथ 3 बंदों के साथ। फिलहाल 3 कर लेते हैं, लास्ट मैच हमारा सेमस के साथ है। तो भाई इनकी जो मुंह पे वाली जो लात था, क्या नाम था उसका, ऊपर किक तो नहीं थी वो, कुछ था वो यार, मुंह पे किक मार, देखने का मूड नहीं है भाई, अपने को रेमी स्टूडियो दिखना है भाई। ओ रेमी स्टूडियो पहले से ही रिंग के अंदर है, डरने वाली क्या बात है, टीएलसी है भाई, अरे अरे बहुत टफ होने वाला है ये। If this is anything like TLC matches of the past, you can expect an unbelievable amount of carnage left in the wake. Oh, I think this man means business. अब तो गया नीचे, अब तो लगी। अब तो लगी ना इसको, भाई फिर नीचे जा रहा है, फिर नीचे।
भाई फिर चे भाई फिर लिया है चेयर। अरे बावड़े हो गया, चेयर पे चेयर मारोगे? धर्म वर्म है कि नहीं? अरे हम मारेंगे चेयर पे, मारेंगे, बता रहा हूँ, हम मारेंगे। हम मारेंगे बे तुम्हें चेयर। He just has to make sure this doesn't get too out of hand for him. Sometimes momentum has a way of chair मार मार के इसका ऐसा हाल करूंगा। That's what he wants to avoid here. बस क्या बताऊं? That packed a punch. अब पीला कर दिया इसको, अभी ऑरेंज भी करूंगा। Oh, I think this man. ऊपर खा तू बे, खड़ा नहीं होना चाहिए तू। Definitely in a tough spot now. It appears his opponent has his number right now. He's clearly drained, guys, but hey, that's what happens when you agree to compete in a match like this. I can assure you there is nothing tender, loving or caring about a TLC match. All right, listen up, morons. Table chord. A tables, ladders and chairs match commonly known as a TLC match originated thanks to three of the greatest tag teams of all time. I'm talking about the Dudley boys. हाँ तुम टेबल ले लो। Dudley boys फिर टेबल से हाथ बहुत मारते हैं। You got the tables for the Dudleys, the ladders for the Hardys, and the chairs for ENC. भाई बहुत ही जबरदस्त सुपर लेग्स देखने को मिला हमें यहाँ पे। एक बार ना इसको एक बार टेबल के ऊपर लेटा दो, मजा आ जाएगा। Triangle ladder match the Dudley boys had against the Hardys and Edge and Christian for the WWE tag team titles at WrestleMania 2000, and that was just the beginning. You got that right, Michael. There was incredible history between those three teams. Nice table को मैं बिठाऊंगा तेरे को, मैं बिठाऊंगा. So they could be WWE tag team champions. Even though the wild matches between them had TLC elements in them, the first official TLC match sanctioned by WWE took place at SummerSlam 2000. He's left wide open here. I don't think he even realizes it. He looks dazed. This is about to get bad. Oh, boy. Into the Hurricane Rana. हरेन कराना बढ़िया वाली। यार इसको इस पे कैसे लेटाऊं? इसको इस पे कैसे लेटाते हैं? इधर आ। अबे चल लेना कोने में। यार से ले जा रहा हूँ। अरे। This was history that was 50 years in the making. The Viper was WWE champion. John Cena was the World Heavyweight champion. The winner would leave as WWE World Heavyweight champion. Corey, you mentioned this earlier, but it bears repeating. The match had incredible historical significance. अरे यार ये माइनस में चला गया, मेरे को सही मौका है इसको मारने का। ये मारने दे तो ना। The WWE Championship dates back to 1963 in the first WWE champion Nature Boy Buddy Rogers. यहां पे there was a big fight. पूरी लाते लाते सब लाते चलेंगे। It looked like the Viper was going to win after he handcuffed Cena to the bottom rope, but फुल घुमा दूंगा भाई, चक्का घुमा दूंगा, कसम से बता रहा हूं। Both men struggled until the Apex Predator ये देख घुमा दिया ना, बोला था ना चक्का घुमा दूंगा। First on a table. चक्का होता गया वैसे पता नहीं, मेरे को बट चक्का घुमा दिया। He grabbed both historic prizes and became the WWE World Heavyweight Champion. फुल जोश में हूं मैं। यार अगर इसमें ओ माय गॉड लग जाए तो कितना मजा आए ना। Byron, knowing Rey Mysterio, the competitor, the way that you do, what would you say a superstar must do in order to be successful against him? Well, rule number one when taking on Rey Mysterio, in my opinion, would be to stay away from the ropes. If you know Rey Mysterio, you know that the rope is where he executes a great deal of his offense. There may be no escaping this fireman's carry. Nice. I don't know. Never say bahut never. Hi buddy. Move As by Byron mentioned, a lot of Mysterio's offense comes from utilizing the ropes. You got the West Coast Pop, 619, dropping the dime. Buddy, Mysterio looking for 619. बहुत ही बढ़िया, कोई जवाब नहीं था सेमस के पास, मुंह पे पड़ी है फुल। याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है। भाई लाल हो गया, अब नहीं उठेगा। अरे उठेगा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ भाई, उठने का नहीं अभी। अब तो लेने दो, अब मेरी है ये, मैं ले लूंगा। TLC match is so dangerous that you never want to make a mistake, but being too tentative can also cost you. We saw that at TLC 2016
when AJ Styles defended his WWE World Heavyweight Championship against Dean Ambrose. Ambrose said that his temper was his game plan, but if anyone would be at home in a TLC match, Rey Mysterio looking for some frog splash. Just when you thought he had nothing left. But frog splash बता रहे हैं. अच्छा somersault तो उल्टी होती है ना. मेरी गलती है. तेरे को याद नहीं था. अरे यार क्या उठा रहा है लैडर उठाने को बोला would not be for the faint of heart. There was no way to predict which superstar was going to incapacitate his opponent. अरे बहुत जल्दी उठ रहा है भाई. तू भी honest जल्दी जल्दी उठ रहा है. देख रहे हो battling in TLC's environment of twisted unforgiving steel and solid wood. Both men had bad intentions as displayed by AJ Styles when he executed a springboard 450 splash out to the floor. जल्दी भाग through a table. That wasn't enough to put Ambrose away, but James Ellsworth pushed Ambrose off the ladder, out of the ring, and through a table. That's how AJ Styles retained his championship. Let's make sure everyone's clear on the rules of a TLC match. There are no pinfalls, no countouts, no disqualifications, and no submissions. The only way to win is to climb the ladder and retrieve the championship or championships that are suspended high above the ring. Oh, boy, tag de niche. Koi jawab hi nahi hai. Now he... यहाँ पे हमें अपर द लैडर एक्शन देखने को मिला जो कि बहुत ही बढ़िया था. बहुत ही बेहतरीन रे मिस्टीरियो मजा आ गया. Let's go, boy. Let's go, winner. तो भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा है. जरूर बताइएगा और भाई मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको कंटिन्यू करूं या फिर कोई और करेक्टर तो कमेंट में लिखना. और 25 लाइक होते हैं तो मैं रे मिस्टर को कंटिन्यू करूंगा. लास्ट में शॉन मैकल के साथ फाइट होगी तो भाई कर देगा करने का नहीं भूलना का. ठीक है लाइक कर देने का. ठीक है मैं चलता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में. तो ये पहली वीडियो थी. आई होप मजा आया होगा. और भाई पूरे साढ़े चार तो चमकाने की कोशिश की थी बट नहीं हो पाया. खैर कोई बात नहीं हो जाएगा अगली बार. चलो बाय बाय.